ये क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से क्या किया जा सकता है। हालांकि इस क्वेश्चन को आप स्टैंडर्ड फॉर्मूले से भी यूज़ कर सकते हो। पहले हम लोग इसे फैक्टराइजेशन से देखते हैं कैसे टैकल करते हैं। तो लिमिट एक्स एक्स अप्रोचिंग टू टू, ऊपर आप फैक्टराइज कर दोगे अप्लाइंग द आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी। तो आपको ये जो 4 है इसको आप हटा के क्या लिखना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो आप इसे लिख दोगे x माइनस टू टाइम्स, ये हो जाएगा आपका x प्लस टू अपॉन x माइनस टू। लेकिन इससे पहले हमें सोचना पड़ेगा कि हम फैक्टराइजी क्यों कर रहे हैं। हम तो डायरेक्ट भी वैल्यू प्लेस कर सकते थे। तो ये चीज़ हमें हमेशा ही चेक करनी पड़ेगी कि जो लिमिट हमें दी गई है ये डायरेक्ट कैलकुलेटिव है या इसमें इनडिटर्मिनेंसी है, मतलब ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो जब भी आप किसी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हो तो आपको पता तो है नहीं कि ये इनडिटर्मिनेंट है या फिर डायरेक्ट कैलकुलेटिव है। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेटिव मान के स्टार्ट करते हैं। जब डायरेक्ट कैलकुलेटिव मान के स्टार्ट करते हो तब पता चलता है कि ये लिमिट कैसी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट वैल्यू प्लेस कर देते, अगर ये ज्यूम कर दे कि ये डायरेक्ट कैलकुलेटिव है, तो दैट इज 2 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन ये हो जाता 2 माइनस 2 एंड दैट कम्स आउट टू बी 0 बाई 0। अब हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे ये लिमिट इनडिटर्मिनेंट है, और अगर ये लिमिट इनडिटर्मिनेंट है इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ इनडिटर्मिनेंसी इन्वॉल्व है। तो हमें उस इनडिटर्मिनेंसी को रिमूव करना पड़ेगा, जिसके लिए आपके पास रेशनलाइज करने के तरीके हो सकते हैं अगर इरेशनल लिमिट है, फैक्टराइज करने के तरीके हो सकते हैं, या फिर किसी स्टैंडर्ड फॉर्मूले या फिर सीरीज का इस्तेमाल करके आप उस इनडिटर्मिनेंसी को रिमूव करिए। खैर यहाँ पे तो फैक्टराइज करके हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगा कि हम लोग क्या करें। खैर चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो ये चीज़ हो गई, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो x माइनस टू है यही इनडिटर्मिनेंसी क्रिएट कर रहा था, यही न्यूमरेटर को जीरो बना रहा था और यही फैक्टर डिनोमिनेटर को जीरो बना रहा था। जब आप इसे रिमूव कर देते हो, कैंसिल आउट कर देते हो, तो जो सिस्टम इक्विवेलेंट सिस्टम जनरेट होता है वो डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है, वो डायरेक्ट कैलकुलेटिव होता है। अब चूंकि ये डायरेक्ट कैलकुलेटिव है इसलिए वैल्यू हम लोग प्लेस कर देंगे डायरेक्टली, तो वी गेट 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। हमें ये क्वेश्चन टैकल करना है। तो ये देखते हैं सबसे पहले कि ये पहले तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को ये मानते हुए कि ये डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट है तो आप वैल्यू प्लेस कर दोगे, और वैल्यू प्लेस करते ही आपका आ जाएगा एक्स की वैल्यू प्लेस करते ही आपका आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस 8 अपॉन 2 माइनस 2 दैट कम्स आउट टू बी 2 माइनस 2 दैट कम्स आउट टू बी 8 माइनस 8 अपॉन 2 माइनस 2 दैट इज 2 माइनस 2 दैट मीन्स 0 बाई 0। इससे ये पता चलता है कि डायरेक्ट कैलकुलेटिव लिमिट नहीं है, और डायरेक्ट कैलकुलेटिव लिमिट नहीं है, और इससे ये भी पता चलता है कि ये इनडिटर्मिनेंट है। तो वो फैक्टर कौन सा फैक्टर है जो इसे इनडिटर्मिनेंट बना रहा है? तो फैक्टर का इसके लिए हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा इसको। तो हम लोग जानते हैं कि आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, दैट इज ए स्क्वायर सॉरी ए माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस का बी स्क्वायर। तो ये हम लोग आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो वी फाइंड आउट लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू टू एक्स माइनस टू टाइम्स, ये जो 8 है आपका ये 2 का क्यूब है, तो इसे हम 2 का क्यूब लेके चल रहे हैं। तो एक्स माइनस टू टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 4 अपॉन एक्स माइनस 2। तो x माइनस टू ही वो फैक्टर है जो इसे इनडिटर्मिनेंट बना रहा है या इनडिटर्मिनेंसी क्रिएट कर रहा है, तो इसे हम कैंसिल आउट कर देते हैं। फर्दर जो हमें सिस्टम मिलता है वो सिस्टम
डिटर्मिनेंट है, अगर उसमें हम x की वैल्यू प्लेस कर देते हैं तो वो डायरेक्ट लिमिट की फाइनाइट वैल्यू दे देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट कैलकुलेटिव लिमिट है। तो वैल्यू प्लेस करते हैं तो दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 एंड प्लस 4, तो दैट कम्स आउट टू बी 4 3 जा 12, ये आ गया आपका 12। यहाँ पे हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि ये लिमिट डायरेक्ट कैलकुलेटिव है या फिर इनडिटर्मिनेंट है, तो ये हमें फर्दर चेक करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे इसके लिए, वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेटिव अज्यूम करके आप क्या कर दोगे, वैल्यू प्लेस करके चेक करोगे कि क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पे आपका हो गया 2 to the power 4 एंड 2 minus 2, तो क्लियरली ये क्या आ रहा है आपका 0/0 आ रहा है। 0/0 आने का मतलब कि ये लिमिट आपकी इनडिटर्मिनेंट है, ये आपकी लिमिट इनडिटर्मिनेंट है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो हमें ये इनडिटर्मिनेंसी किसकी वजह से क्रिएट हो रही है, हमें वो ढूंढना पड़ेगा कि ये इनडिटर्मिनेंसी किसकी वजह से क्रिएट हो रही है। तो हमें इसके लिए फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो प्रोसीड करते हैं हम लोग टूअर्ड द फैक्टराइजेशन। तो x अप्रोचिंग टू 2 एंड दैट विल बी द x माइनस 2 टाइम्स, ये आपका 2 to the power, आप इसे 4 लिख सकते हो। तो x माइनस 2 टाइम्स x क्यूब प्लस, इसकी पावर डिक्रीज करेगी x की, x स्क्वायर और 2 की पावर इंक्रीज करेगी, 2 की पावर 1 हो गई, देन x की पावर फर्दर डिक्रीज करेगी x एंड 2 की पावर रेज करेगी, 2 का स्क्वायर हो गया, x की पावर डिक्रीज होके 0 हो जाएगी, दैट मीन्स x अब्सेंट हो जाएगा और 2 की पावर आपका 3 हो जाएगा। तो ये फैक्टराइज या ये दो फैक्टर करने का तरीका है आपका है। तो x माइनस 2, तो ये जो x माइनस 2 है यही न्यूमरेटर को 0 बना रहा है, साथ में डिनोमिनेटर को 0 बना रहा है, दैट मीन्स यही इनडिटर्मिनेंसी क्रिएट कर रहा है। तो हम लोग इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। कैंसिल आउट करने के बाद आपके पास जो सिस्टम बचा वो डायरेक्ट कैलकुलेटिव है। वैल्यू प्लेस कर दीजिए तो यू गेट 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर और प्लस 2 क्यूब, तो हर टर्म ही आपके पास 2 क्यूब हो गया है। तो ये भी आपका 2 क्यूब है, ये पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ भी 2 क्यूब है पावर ऐड हो जाएगी और ये 2 क्यूब तो दिख ही रहा है, और ये भी आपका 2 क्यूब है। तो देयर आर 4 टाइम्स 2 क्यूब, तो 4 टाइम्स 2 क्यूब एंड 2 क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है, और 8 4 जा 32, तो इसकी वैल्यू आपकी 32 आ गई। हम लोग बात करते हैं ये आपके पास जो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है या स्टैंडर्ड लिमिट है, इसको आप एज डायरेक्ट यूज करोगे, और जब भी डायरेक्ट इसे यूज करते हो तो एग्जाम में एक्सेप्ट किया जाता है, इसके प्रूविंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये एक ऐसा फॉर्म है जैसे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर डायरेक्ट यूज करते हो, कोई भी आपसे प्रूफ की उम्मीद नहीं करता है, ना तो आप देना चाहते हो। इसी तरह से ये लिमिट में डायरेक्ट कैलकुलेटिव लिमिट होती है। ये आती कितनी है, ये आती है आपकी n a टू द पावर n माइनस 1, लेकिन आती कैसे है हम लोग थोड़ा देखते हैं कि ये कैसे आती है। ठीक, तो सिंपल है, अभी हम लोगों ने जो कुछ क्वेश्चंस देखे थे, अब फैक्टराइज करने का पैटर्न देखिए, ठीक है उनको, तो उसी तरह से हम लोग पहले तो ये देखेंगे कि ये क्या डायरेक्ट कैलकुलेटिव लिमिट है, और अगर डायरेक्ट कैलकुलेटिव लिमिट नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब तो हम लोग ये देखते हैं कि ये जो हमें लिमिट दी गई है x की पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, तो ये हमारी पहले तो अज्यूम करेंगे कि ये डायरेक्ट कैलकुलेटिव है, और जब भी हम ये अज्यूम करेंगे डायरेक्ट कैलकुलेटिव है तो हम रिप्लेस कर देंगे, सिंपल सी बात है, हमें क्या पता कि ये
कैसी है, डायरेक्ट कैलकुलेटिव है या फिर इसके अंदर इनडिटर्मिनेंसी इन्वॉल्व है, तो हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। क्लियरली देखिए, न्यूमरेटर आपका क्या आ गया, ज़ीरो आ गया, और डिनोमिनेटर भी ज़ीरो आ गया, तो इससे पता चल गया कि ये लिमिट क्या है, आपकी इनडिटर्मिनेंट है, इनडिटर्मिनेंट। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको आपके सिस्टम में इनडिटर्मिनेंसी इन्वॉल्व है और आपको उसको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे कर किया जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे फैक्टराइजेशन का स्कोप है, आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए। ठीक है, तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, हमें पता है कि जो x की पावर n माइनस a की पावर n है उसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, x माइनस a टाइम्स x टू द पावर n माइनस 1 प्लस, अब ये x की पावर कम होती जाएगी और a की पावर इंक्रीज करती जाएगी, तो x की पावर n माइनस 2 एंड a की पावर 1, देन x की पावर n माइनस 3 a की पावर 2, देन इसी तरह से आपकी x a की पावर 3 हो जाएगी और उसकी एक कम होती चली जाएगी, लास्ट में क्या होगा, एट द लास्ट x की पावर 0 हो चुकी होगी, दैट मीन्स लास्ट टर्म से x अपसेंट हो जाएगा और a की पावर मैक्सिमम होगी, जो x की पावर मैक्सिमम हुआ करती थी वो n माइनस 1 है। ठीक है, अब जो न्यूमरेटर में आपका पड़ा हुआ है x माइनस a, यही एक ऐसा फैक्टर है जो इसको इनडिटर्मिनेंट बना रहा था, मतलब x माइनस a ही न्यूमरेटर को 0 बना रहा था और x माइनस a ही डिनोमिनेटर को 0 बना रहा था। इसे कैंसिल आउट करने के बाद जो सिस्टम मिलता है वो सिस्टम डायरेक्ट कैलकुलेटिव होता है, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, आप डायरेक्ट वैल्यू प्लेस कर सकते हो x की प्लेस पे। ऐसा जब करोगे आप तो x की पावर n माइनस 1 प्लस a टू द पावर n माइनस 2 टाइम्स a की पावर 1 प्लस a की पावर n माइनस 3 टाइम्स a टू द पावर 2, तो जितना आपका डिक्रीज कर रहा है a की पावर फर्स्ट कंपोनेंट में, उतना भरपाई कर दिया जा रहा है सेकेंड टर्म से जो रेज कर रहा है, दैट मीन्स हर टर्म आपका a टू द पावर n माइनस 1 बना हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये जो 1 है इसको आप जब इसमें ऐड करोगे n माइनस 2 में तो आपका n माइनस 1 ही आएगा, हर टर्म क्या हो गया आपका a की पावर n माइनस 1 है, a की पावर n माइनस 1 है, ये भी आपका a की पावर n माइनस 1 है, डॉट 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 डॉट, और लास्ट तक आपका a की पावर n माइनस 1 है। द क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स a टू द पावर n माइनस 1 अकर, सिंपल है, n टाइम्स, जो भी यहाँ पे पावर होती है आपके पास, जो भी पावर होती है, तो इस सेकेंड ब्रैकेट में उतने टर्म होते हैं, तो यहाँ पे आपके पास n a टू द पावर n माइनस 1 है, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका n टाइम्स a टू द पावर n माइनस 1।